इसका फ्यूल फिल्टर चेंज कराया है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म, डालने में मैं असफल रहा लेकिन डाल दिया। एसपी फाइन बॉयज, अब हमारी कितना देगी और या लेगी, क्या लग रहा है कितना देगी? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए 1 लीटर माइलेज टेस्ट SP125 का। और ये गाड़ी 16,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, और इसके बाद ये 1 लीटर में भाई कितना चलेगी ये देखने वाले हैं। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं एसपी लेने का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम कराएगा, क्योंकि इतना चलने के बाद माइलेज ड्रॉप होता है या नहीं ये भी सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और गाड़ी को हम इकोनॉमी स्पीड में और थोड़ा बहुत 60 प्लस भी चलाएंगे, ताकि एक डिसेंट माइलेज नंबर हमको मिल सके। तो चलो भाई, अब यहाँ से चलते हैं और गाड़ी का पूरा फ्यूल है वो ख़त्म करते हैं। और इस गाड़ी को हम दो लोग चला रहे हैं, मैं चला रहा हूं और अंकित है, तो दोनों लोग मिलके गाड़ी को 1x1 ड्राइव करेंगे, ताकि हमको एक एक्यूरेट माइलेज नंबर मिल पाए। तो चलो चलते हैं। तो चलो भाई, और ऐसा भी नहीं है कि ये गाड़ी सर्विस में है, रिसेंटली अभी मैंने परसों ही इसकी सर्विस कराई है, इसका फ्यूल फिल्टर चेंज कराया है, और इसका जो फ्यूल इंजेक्टर है उसको भी मैंने क्लीन कराया है, क्योंकि ये गाड़ी हल्के से जर्क मार रही थी, लेकिन अब ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब गाड़ी स्मूथ चल रही है जैसे चलनी चाहिए। तो अब चलते हैं सीधे रोड की तरफ और इसका फ्यूल ख़त्म करते हैं भाई। ओके, निकल पाएगी यहाँ से? निकल जानी चाहिए। और इस गाड़ी का कंफर्ट मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमने जो पीछे वाला सस्पेंशन है उसको भी डाउन कराया है, जितनी इसकी लोवेस्ट सेटिंग हो सकती है सॉफ्टर साइड पे उसको मैंने कराया है, क्योंकि ये बहुत जर्क दे रही थी और झटके दे रही थी पीछे से, इस वजह से इसको पूरा का पूरा डाउन करा दिया मैंने। और अगर आप लोगों के पास भी ये गाड़ी हो तो आप लोग भी ऐसा करा सकते हो, क्योंकि एक एडजस्टमेंट आप डाउन करा सकते हो इस गाड़ी की, तो थोड़ा सा ये सॉफ्टर साइड पर हो जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा झटके नहीं महसूस होंगे। और अभी गाड़ी बिल्कुल ही सही चल रही है जैसे चलनी चाहिए। पहले जब मैं इसको लेके आया था अरविंद भाई से, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, इसके पैनल वगैरह में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, तो उसको फिक्स कर दिया। इसके नट एंड बोल्ट जो है ढीले हो जाते हैं, इसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। बट अगर आप फ्रिक्वेंटली ध्यान दोगे, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो बस फटाफट गाड़ी में काम करते हैं और बस आपको छोड़ देते हैं कि भाई जाओ, हो गया काम, हमारा काम ख़त्म। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी गाड़ी का, कि आप उसको अच्छे से मतलब मेंटेन कराओ। और अगर आपको लगता है कुछ ढीला है तो भले ही आप सर्विस सेंटर से ना कराओ, लेकिन बाहर से ही करा लो, अगर कुछ ढीला उला हो तो उसको ओके करा लो, ठीक है? तो अभी हम लोग चलते हैं और जब फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तब आप लोगों से मिलते हैं। अब यहाँ पर बाइक जो है झटके लेना चालू हो गई है, अब देखते हैं कितना सर्वाइव करती है ये। मैं फुल बैक करके रखा हूँ। हाँ, अब नहीं चल रही इस कंडीशन में, लग रहा है गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म। और सेल्फ देते हैं तो देखो, सेल्फ बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, बिल्कुल भी सेल्फ नहीं ले रहा भाई। खड़ी कर लेते हैं यहीं पे, ये देखो, भला झटके ले लेंगे कम से कम ये 2 किलोमीटर तक हमको लेके आई है। और अब इसमें 1 लीटर फिल करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये रहा भैया 1 लीटर, दिखा दो सबको 1 लीटर पेट्रोल पूरा पूरा। और इसको खोलते हैं, डालने में मैं असफल रहा लेकिन डाल दिया। तो पूरा का पूरा 1 लीटर इस पे चला गया है, ठीक है। ओके, ओडोमीटर आप देख लो, ओडोमीटर है 16,762। और इसके बाद इसको देखते हैं, ट्रिप ए में है 342, तो इसको कर देते हैं 0। ये 0 हो गया, और ट्रिप बी भी कर देते हैं 0, ठीक है। और ये नहीं, और हम चलाएंगे ट्रिप ए में, तो यहाँ से हो गया 0, यहाँ फ्यूल पड़ी गया, अब चलते हैं। स्टार्ट हो गई, इसके बटन में थोड़ा सा इशू है इसमें, बाकी गाड़ी स्टार्ट है, अब चलते हैं। अब देखते हैं कितना किलोमीटर जाती है। एसपी फैन बॉयज, कमेंट करके बता देना आपकी कितना दे रही है, अब हमारी कितना देगी या लेगी देखते हैं। देखो, 1 लीटर फ्यूल जब आप डाल देते हो ना गाड़ी में, तो ये 1 पॉइंट बताने लग जाता है। और इस गाड़ी की खास बात पता है क्या है, कि इसका जो फ्यूल पाइप लगे हुए हैं ना, जो इंजन की तरफ जाता है,
तो वो बिल्कुल टंकी के नीचे तलहटी जैसे होती है वहाँ से लगा हुआ है। तो जब आप इसका पेट्रोल ड्रेन करोगे तो बिल्कुल भी पेट्रोल इसमें नहीं बचता है, ठीक है, डायरेक्ट वो इंजेक्टर में जाता है बड़े बड़े पाइप के थ्रू। तो वो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी कि जब भी आपको पेट्रोल निकालना है तो नीचे पाइप दो लगे हुए हैं, उनको आप निकालो और डायरेक्ट पेट्रोल इतने फ्लो से आएगा, इतने मोटे मोटे पाइप लगे हैं कि बस 2 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा। भाई लोग अभी हम लोग आ चुके हैं बांदा, मतलब इंटर कर चुके हैं और गाड़ी जो हमारी चली हुई है 19.8 किलोमीटर, देख सकते हो आप कंसोल में, ठीक है। और अभी हम लोग सिटी में ही चल रहे हैं, तो अभी इसको सिटी में चलाएंगे और फिर हम लोग केन नदी की तरफ चलेंगे और उस रोड में चलाएंगे। बाकी देखते हैं कितना एवरेज निकलेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी हमने बहुत ही कम चलाई है, अभी ये मोटरसाइकिल मेरे अकॉर्डिंग 50 प्लस जानी चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। भाई इन सब माइलेज टेस्ट वाले वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम जाता है, कुल मिला के 1 लीटर में अगर चेक करने बैठो ना तो बहुत टाइम जाता है। तो अगर आप लोगों को ये सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हो ना तो भाई अप्रिसिएट किया करो और लाइक वगैरह किया करो, कमेंट्स भी किया करो, अच्छा लगता है यार, ठीक है। और ये सब किसके लिए किया जा रहा है, केवल अपनी ऑडियंस के लिए ही किया जा रहा है, तो वो चीज़ है। और बांदा में भाई ट्रैफिक बहुत लगता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपका स्वागत है। और बांदा में भाई इतना जाम लगता है ना कि पूछो ना, पानी की कमी तो है ही है लेकिन जाम की अधिकता ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड रोड बहुत है यार। तो ये आ चुके हम लोग केन नदी वाले पुल पे, तो ये अपना व्हीकल वाला पुल है और ये अपना रेलवे वाला है इस तरफ, और नीचे जाने का रास्ता हम पीछे छोड़ के आ गए हैं, तो जब रिटर्न होंगे तब उधर जाएंगे। प्यारा लगता है भाई यहाँ पर भी। और गाड़ी हमारी चल चुकी है 24.6 किलोमीटर्स और अब गाड़ी में स्विच करूंगा और अंकित को दूंगा चलाने के लिए कि वो चलाए। तो भाई अब गाड़ी लगाते हैं किनारे और गाड़ी देते हैं अब अंकित को। बांदा का इंडस्ट्रियल एरिया है, अब यहाँ से तुम चलाओ, क्या लग रहा है कितना देगी देखते हैं। अभी तो 26.3 चली है, मुझे लग रहा है 70-70 ना पहुँच जाए। चलो भाई अब यहाँ से चला जाए। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know. बंद हो गई भैया। अभी हम लोग हैं बांदा के इंडस्ट्रियल एरिया में और ये महोबा वाला रोड है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और यहाँ पर जो गाड़ी का जो पेट्रोल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब गाड़ी एक भी सेल्फ नहीं ले रही है, ठीक है, तो इसको मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। गाड़ी हमारी न्यूट्रल में और लगाते हैं इसका सेल्फ, तो देखो इस तरह से चालू होकर बंद हो जाती है। फिर से करता हूँ मैं, ये देखो बंद हो जा रही है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं बचा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ट्रिप मीटर दिखाता हूँ कि ये चला कितना हुआ है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी ये आप ओडोमीटर देख लो, 16,821 किलोमीटर चला है। जो ट्रिप ए में हमने गाड़ी चलाई है वो 59.5 किलोमीटर, यानी आप 60 किलोमीटर मान सकते हो, और 60 किलोमीटर का नंबर जो है एसपी के लिए थोड़ा सा डाइजेस्टेबल तो नहीं है, बट इतना भी दी है 16,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो भाई कमेंडेबल जॉब है। दो लोग ने चलाई है और हमने 60-65 मैक्स टू मैक्स 70 की स्पीड मेंटेन की है, उसके बाद इस तरह का एवरेज दी है, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और जिस तरह से ये परफॉर्म करती है और जिस तरह से ये निम्बल गाड़ी है, तो भाई बढ़िया है यार, मतलब 60 का नंबर 1 लीटर में वर्थ इट है। और आप इसको एक बार फुल कराओ सीधे भूल जाओ, ये वाली कहानी इस मोटरसाइकिल के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये 1 लीटर माइलेज टेस्ट वीडियो पसंद आया होगा, और काफ़ी मेहनत लगती है भाई इस तरह के 1 लीटर माइलेज टेस्ट करने में, टाइम बहुत जाता है। तो अगर आप लोगों को यार पसंद आता हो ना तो कमेंट करना, वीडियो को भी लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।